एक्सपोनेंशियल फॉर्म और हम इसको क्या कह देते हैं पावर. व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेरिएबल बाय इटसेल्फ इन सेवरल टाइम दिस प्रोडक्ट वी राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. जब हम एक वेरिएबल को उसी से कई बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जिसकी प्रोडक्ट होती है उसको हम एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, पावर की फॉर्म में लिखते हैं. पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं. व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेरिएबल बाय इटसेल्फ सेवरल टाइम the product of this variable we write in exponential form. अब एग्जाम्पल ये कह रहे हैं व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेरिएबल बाय इटसेल्फ सेवरल टाइम्स. सपोज मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ ए और मैं उसको उसी से वेरिएबल इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ उससे ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ सेवरल टाइम्स मतलब जितनी मर्जी बार. तो जिसकी प्रोडक्ट होगी वेरिएबल की हम उसको किस फॉर्म में लिखेंगे एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल यानी पावर. इसकी प्रोडक्ट क्या बन जाएगी ए इंटू ए. ए की पावर क्या है यहाँ पे वन. क्या है आप लगा लो वन ए इंटू वन ए ए टू. इस ए टू को हम क्या बोलते हैं स्क्वायर. ए टू मीन्स स्क्वायर. सपोज मैं ए को ए से ही तीन बार मल्टीप्लाई कर तो इसको मैं क्या लिखूंगी ए इंटू ए इंटू ए ए की पावर थ्री. ए की पावर थ्री ये पार्ट क्या होता है पावर. इसको हम बोलते हैं पावर. दिस इज बेस. मेरा बेस क्या है ए और पावर क्या है टू. टू यानी स्क्वायर. सो ए स्क्वायर ए क्यू ए थ्री यानी ए क्यू. इसको हम क्या बोलते हैं ए क्यू. इसको हम क्या रीड करते हैं ए स्क्वायर. सपोज ये हो जाए ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए काउंट वन टू थ्री फोर फाइव दैट मीन्स ए रेज टू की पावर फाइव. आपको दे दें एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स डैश 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 23 टाइम्स. जो एक्स है वो 23 टाइम्स है दैट मीन्स एक्स रेज टू की पावर 23. दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ पावर्स.